मंचा सिंह, संत महापुरुषों, सत्संग समारोह में उपस्थित बंधुओं, माता एवं बहनों, बंधुओं, धर्म व्यक्ति का स्वभाव होता है। गंगा जमुना, कमला जमंगला, कृष्णा कावेरी, गोदावरी त्राप्ती में नहाना कोई धर्म नहीं है। आग में घी जलाना, अरवा चावल जौ तिल नारियल जटा मसी गुगुल जलाना धर्म नहीं है। रामायण महाभारत गीता सुख सागर वेद पुराण स्मृति उपनिषद पढ़ लेना धर्म नहीं है, इसलिए कि पढ़ने वाले मांस और मछली खाते हैं। बंधुओं, काशी हरिद्वार प्रयाग वृंदावन गोकुला मथुरा जाना धर्म नहीं है, इसलिए कि जाने वाले चोरी करते हैं, दलाली करते हैं, बेईमानी करते हैं, घूसखोरी करते हैं। बंधुओं, महाविष्णु जग, महारुद्र जग, सतचंडी जग, अष्टजाम श्रीमद भागवत कथा करना धर्म नहीं है। ये करने वाले दूध में पानी मिलाते हैं, आटा में चोकर मिलाते हैं, घी में डलडा मिलाते हैं और चावल में कंकर मिलाते हैं। धर्म व्यक्ति का स्वभाव है। मौनी बाबा, थरेसरी बाबा, फलहारी, निर्जली, दिगंबरी, खाकी, निराहारी, दूधाहारी, पत्र पुष्पाहारी बन जाना भी धर्म नहीं है। धर्म स्वभाव को कहते हैं, धर्म नेचर को कहते हैं, धर्म गुण को कहते हैं। एक बहू अपने सास को गाली देती है तो अगल बगल के महिला उसे डांटती है, फटकारती है, तुम्हारा धर्म नहीं है सास को गाली देना, यह धर्म है। अगर बेटा बाप को मारता है अथवा गाली देता है तो अगल बगल के लोग उसे डांटते हैं, बेटा तुम्हारा धर्म नहीं है पिता पर हाथ छोड़ना या गाली देना, यह धर्म है। भाभो अगर भैंसुर को गाली देती है तो अगल बगल के महिला उसे डांटती है, तुम्हारा धर्म नहीं है भैंसुर को गाली देना, और भैंसुर भी अगर भावों पर हाथ छोड़ता है उसको भी पंच पकड़ लेता है, आपका धर्म नहीं था भावों पर हाथ छोड़ना। रमानंदी कबीरपंथी आर समाज आनंद मार्गी और गायत्री परिवार युग निर्माण मिशन गांधी निर्माण मिशन विवेकानंद मिशन और जय गुरुदेव और बाल युगेश्वर बन जाना भी धर्म नहीं है। ये सारे दल हैं। रामानंदी एक दल है, संत मत एक दल है, आर समाज गायत्री परिवार एक दल है, ये धर्म नहीं है। इसको हम धर्म नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि जिससे शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना पढ़ना आ जाए उसे हम व्याकरण कहते हैं, और जिससे मन वचन और आचरण पवित्र हो जाए उसे हम धर्म कहते हैं। ये धर्म की परिभाषा है। बंधुओं, ये सारे दल हैं। रामानंदी हो, आर समाज हो, आनंद मार्ग हो, गायत्री परिवार हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, यहूदी हो, पारसी हो, ये सारे धर्म नहीं है, ये सारे दल हैं। जैसे कांग्रेस, बीजेपी, राजद, जदयू, लोजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सपा बसपा, ये सारे दल हैं, वैसे ये सारे दल हैं। दल अनेक होता है लेकिन दिल्ली में पार्लियामेंट एक होता है। कुछ दिन पहले उसी पार्लियामेंट में
माननीय मनमोहन सिंह की जी की सरकार चल रही थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, आज उसी पार्लियामेंट में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, जो बीजेपी की सरकार है। दल अनेक, पार्लियामेंट एक, वैसे दल अनेक, रामानंदी आर समाज, आनंद मार्ग, गायत्री परिवार, दल अनेक हैं। धर्म एक होता है, एक। और धर्म की परिभाषा सदगुरु कबीर ने दिया है, जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध वहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी धर्म का परिभाषा दिया, दया धर्म के मूल है, नरक मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जवलो घट में प्राण। यानी दया ही धर्म का मूल है। आज जल चढ़ाने वाली महिला अपने को धार्मिक मानती, अगरबत्ती बार देना ये धर्म मानते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, कुछ गीत गा लेना, गीत गाना भी धर्म नहीं, और ऑर्गन पैड बजाना धर्म नहीं है। ऑर्गन बजाने वाले शिखर पराग खाते हैं, जर्दा की माम खाते हैं, और पैड बजाने वाला गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, तो ये बजाना गाना धर्म कैसे हो गया? भगत गाने वाले लोगों को मैं देखा है, गांजा पीते हुए, चाय पीते हुए, सिगरेट और बीड़ी और खैनी खाते हुए, तो भगत गाना धर्म कैसे हो गया? भोला बाबा को जल चढ़ा देना धर्म कैसे हो गया? वो चढ़ाने वाला बकरी काट के खा गया है। बैनाथ, जगन्नाथ, केदारनाथ, हरिहरनाथ, पशुपतिनाथ जाना धर्म कैसे हो गया? ये जाने वाले दारू पीते हैं और बकरी काट के खाते हैं और मछली मंगा के खाते हैं, तो जाना धर्म कैसे हो गया? बंधुओं, दल बदल जाता है, दल बदलता है। जो कल कांग्रेस में था आज बीजेपी में है, और बीजेपी में था वो राजद में है, और राजद में था वो जदयू में है, दल बदल गया। कल जो रामानंदी था आज कबीरपंथी है, और कबीरपंथी में था वो गया संत मत में, और संत मत में था वो चला गया आर समाज में। दल बदल गया, लेकिन धर्म किसी परिस्थिति में नहीं बदलता है। धर्म नहीं बदलता है किसी परिस्थिति में। आंख का धर्म है देखना, आंख का धर्म है देखना, तो आंख देखेगी, सुन नहीं सकती है, और कान का धर्म है सुनना, तो कान सुनेगा देख नहीं सकता है। नाक का धर्म है सूंघना, तो नाक सूंघेगा सुन नहीं सकता है, और मुंह का धर्म है बोलना, तो मुंह बोलेगा सुन सूंघ नहीं सकता, और त्वचा का धर्म है स्पर्श करना, वो स्पर्श करेगा बोल नहीं सकेगा। दल बदलता है। लोग कहता है फलना आदमी तो धर्म बदल लिया, धर्म कैसे बदला जाएगा? धर्म अगर बदलता तो बाघ के सामने खड़े दूध का तस्मई रखा जाए, पेड़ा रसगुल्ला रख दिया जाए, काजू किशमिश बादाम मुनक्का छोहारा रख दिया जाए, और बगल में मांस रख दिया जाए, क्या बाघ तस्मई खाएगा? मर जाएगा, उपवास रख लेगा, लेकिन वो तस्मई और काजू किशमिश नहीं खाएगा। जब खाएगा तो मांस। यदि यह कहा जाए बाघ अपने प्राकृतिक धर्म पर अनादि काल से चलते आ रहा है, तो इसमें कोई हर्जा नहीं है। बाघ भी धार्मिक प्राणी है, और धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। जितने भी प्राणी मात्र हैं धरती पर, सब अपने अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहे हैं। एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जो अपना धर्म छोड़ के चल रहा है। बकरी, भेड़ी, गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, ऊंट, गधा के सामने एक तरफ घास रखा जाए और दूसरे तरफ मांस रख दिया जाए,
क्या प्राणी अपना धर्म छोड़ देंगे, मर जाएंगे, उपवास रख लेंगे भोजन के बिना, लेकिन कभी मांस को छू नहीं सकते हैं। जब खाएंगे तो घास खाएंगे बिना कंठी के। कभी सत्संग में नहीं गए प्राणी, हाथी घोड़ा कभी सत्संग में नहीं गया, कभी कोई मंदिर नहीं गया, लेकिन आज तक अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहा है और आज तक घास खा रहा है और शुद्ध शाकाहारी होके जी रहा है। लेकिन मनुष्य कंठी भी बांध लिया, रमानंदी कबीरपंथी हो गया, तब भी खैनी खा रहा है, तब भी बीड़ी पी रहा है, तब भी सिगरेट पी रहा है, तब भी गांजा पी रहा है, तब भी शिखर पराग खा रहा है, तब भी जर्दा किमाम खा रहा है और होटल में बैठ के चाय पी रहा है। इसका धर्म कहाँ गया? मनुष्य का धर्म कहाँ गया? बंधुओं, दल बनाई जाती है, कांग्रेस दल कुछ लोगों ने मिलकर बना लिया, राजद बनाया, जदयू बनाया, कांग्रेस बनाया, दल कुछ लोगों के द्वारा बनाई जाती है। वैसे कुछ लोगों ने मिलकर रमानंदी दल खड़ा किया, कुछ लोगों ने मिलकर आर समाज और गात्री परिवार दल खड़ा किया है। दल कुछ लोगों की होती है, धर्म सबके लिए होता है, धर्म कुछ लोगों के लिए नहीं होता। दल कुछ लोगों के द्वारा बनाई जाती है, कांग्रेस कुछ लोगों ने मिलकर दल बना लिया, राजद कुछ लोगों ने मिलकर दल बनाया, जदयू कुछ लोगों ने मिलकर दल बनाया, वैसे रमानंदी कुछ लोगों ने मिलकर एक दल खड़ा किया है, आर समाज कुछ लोगों ने मिलकर दल खड़ा किया, गायत्री परिवार खड़ा किया, दल कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया। धर्म बनाने की जरूरी नहीं, धर्म हम लोग प्रकृति प्रदत्त मां के गर्भ से लेके आए। आज धर्म के नाम पर कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं, वहां धर्म हमारा नहीं है। आज भी व्यक्ति क्या वस्तु भी अपने धर्म पर चल रहा है। यह धरती अनादि काल से अपने धर्म पर चल रही है, धरती का धर्म है कठोरता, ये अपने धर्म पर चल रही है, और पानी का धर्म है शीतलता, पानी अपने धर्म पर चल रहा है, और अग्नि का धर्म है उष्णता, अग्नि अपने धर्म पर चल रहा है, और हवा का धर्म है कोमलता, हवा अपने धर्म पर है, और आकाश का धर्म है गंभीरता, आकाश भी अपने धर्म पर चल रहा है। लेकिन व्यक्ति धर्म पर नहीं चल रहा है, वस्तु धर्म पर चल रहा है, प्राणी धर्म पर नहीं चल रहा है, पदार्थ अपने धर्म पर चल रहा है। ये माइक का धर्म है, आवाज को खींच के साउंड बॉक्स और हॉर्न को देना, ये माइक अपने धर्म का निर्वाह कर रहा है, और हॉर्न और बक्सा का धर्म है लोगों तक आवाज को पहुंचा देना, वो भी अपने धर्म का पालन कर रहा है, पहुंचा रहा है आवाज। लेकिन आज मनुष्य अपने धर्म को छोड़ दिया, मनुष्य अपने धर्म पर नहीं चल रहा है। जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं, उनका धर्म है, उनका नेचर है, उनका गुण है, उनका स्वभाव है, जब वो जन्म लेते हैं तो आंख बंद करके बाहर आते हैं। कुत्ता के बच्चा, बिल्ली के बच्चा, गीदड़ के बच्चा, बाघ के बच्चा, सिंह के बच्चा, ये जितने मांसाहारी हैं वो मां के गर्भ से आंख बंद करके जन्म लेते हैं, और जितने शाकाहारी प्राणी हैं, बकरी के बच्चा, भेड़ी के बच्चा, गाय के, भैंस के, हाथी के, घोड़ा के, ऊंट के, गधा के और आदमी के, ये प्राणी प्रकृति प्रदत्त शाकाहारी हैं, ये मां के गर्भ से आंख खोल के जन्म लेते हैं। जितने मांसाहारी प्राणी हैं वो जीभ से उठा उठा के पानी पीते हैं, और जितने शाकाहारी प्राणी हैं
उनका धर्म है, नेचर है, वो सुरूप के पानी पीते हैं। जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनका आंत छोटा होता है, जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनका आंत बड़ा होता है, जितने मांसाहारी प्राणी हैं गर्मी के दिनों में उनके बदन से पसीना नहीं चलती है, जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनके बदन से पसीना चलती है, जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनकी आयु कम होती है, जितने शाकाहारी प्राणी हैं उनकी आयु अधिक होती है, जितने मांसाहारी प्राणी हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, और जितने शाकाहारी प्राणी हैं वो कम बीमार पड़ते हैं। अभी अरुण जी बैठे हैं कबीर आश्रम गोलहा में, अररिया जिला वार्षिक सम्मेलन हुआ, उसमें मैं भी गया था, आचार्य सदगुरु धर्म स्वरूप साहब भी आए थे। मुझे एक कुर्ता सिलाना था, मैं एक आदमी से कहा जरा चलिए रानीगंज मोटरसाइकिल से, और जब मैं गया तो दर्जी मुसलमान था, हमको देखा वो प्रणाम किया, कहा बाबा आप लोगों का जीवन बहुत सुंदर है, अच्छा है। मैंने कहा क्यों? आप लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, आप लोग कोई दुर्व्यसन नहीं खाते हैं। मैं टेलर चलाता हूँ, 5-5 को दर्जी रखता हूँ, और इतनी परेशानी है, आप चलिए हॉस्पिटल में, अगर 10 को हिंदू कोई रोगी होगा तो कम से कम 60-70 को मुसलमान होगा। मांस मछली खाते खाते ये रवैया पहुंच चुका है कि हम लोगों का रुपया इतना हॉस्पिटल में और डॉक्टर के पास जा रहा है जिसका वर्णन नहीं किया जाए। आज मनुष्य धर्म को छोड़कर अधर्म को अपना रहा है, और दुर्गति इनकी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही। धर्म मंदिर में जाके नहीं होगा बाबू, धर्म मस्जिद में नहीं होता है, धर्म गिरजा और गुरुद्वारा में नहीं होता है, धर्म स्वभाव होता है, धर्म नेचर होता है। माँ बाप की सेवा करना धर्म है, गुरु की सेवा करना धर्म है, आए हुए अतिथि की सेवा करना हमारा धर्म है, और दौड़ते रहना जीवन भर, कहीं जाना कहीं से आना, और कहीं मंदिर में फूल पत्ती चढ़ा देना मिठाई चढ़ा देना ये धर्म नहीं है, ये आडंबर है, ये देखावा है, इससे आपके जीवन में कोई सुधार कोई परिवर्तन कोई कल्याण होने वाला नहीं। बंधुओं सब लोग धर्म पर आइए, सब लोग शुद्ध शाकाहारी बनिए, सब लोग शाकाहारी बनिए। इतना बड़ा कोरोना काल चला गया लेकिन शाकाहारी आदमी की मृत्यु नहीं हुई कोरोना में, सारे मांस मछली खाने वाले मर गए, शाकाहारी की मृत्यु नहीं हुई। इसलिए हमारा धर्म है, प्राकृतिक हमारा नेचर है, हमारा गुण है, हमारा स्वभाव है। गधा जब शुद्ध शाकाहारी होके जी सकता है, घोड़ा शुद्ध शाकाहारी होके, गाय शुद्ध शाकाहारी होके जी सकती है, भैंस जी सकती है, बकरी जी सकती है, तो हम तो फिर मानव है। और आज मानव मांस खा रहा है, आज मानव मछली खा रहा है, और नाना प्रकार के देवी देवता लेके पूजा करके अपने को धार्मिक बनना चाह रहा है। धर्म हमारा है शुद्ध शाकाहारी होना, पहला धर्म है, और दूसरा धर्म है दुर्व्यसन मुक्त होना। हम बीड़ी ना पिए, सिगरेट ना पिए, गांजा भांग ताड़ी दारू मांस मछली ना खाएं, यह हमारा धर्म है, यह हमारा नेचर है, यह हमारा गुण है, यह हमारा स्वभाव है, यह हमारा विचार है। शुद्ध शाकाहारी होना, दुर्व्यसन मुक्त होना, और मानव से प्रेम रखना। कोई जातीयता नहीं, कोई सांप्रदायिकता नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई अवर्ण सवर्ण नहीं, कोई नीच ऊंच नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई गोरा काला नहीं।
मानव प्रेम का पात्र है और मानव से प्रेम हमारा होना चाहिए, यह हमारा धर्म। और जितने भी मानवेतर प्राणी है धरती पर, अर्थात मानव जोनी से नीचे की खानी में जीवन बसर करने वाले पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, वो दया के पात्र हैं, मानव प्रेम का पात्र है और माता पिता गुरु अतिथि श्रद्धा के पात्र हैं। तो माता पिता गुरु अतिथि में हमारी श्रद्धा हो, मानव के प्रति हमारा प्रेम हो और मानवेतर प्राणी पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा के प्रति हमारे दिल में दया हो, ये मेरा धर्म है। चूंकि वो अज्ञानी प्राणी है, भोग जोनी में पड़ा है पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, आज मनुष्य उसको मार के खा रहा है। साहब कबीर ने कहा, मनुष्य प्रकृति से शाकाहारी, मांस उसे अनुकूल नहीं है, पशु भी मानव जैसा प्राणी, वो मेवा फल फूल नहीं है। दुनिया के लोग बकरी मुर्गी मछली ये सब क्या है, अनारस बेदाना सेव संतरा बड़ा प्रेम से काट काट के खाते हो, वो भी प्राणी है, उसमें भी प्राण आत्मा है, जीव है। पशु भी मानव जैसा प्राणी, वो मेवा फल फूल नहीं है, वो जीते हैं अपने श्रम पर, उनकी होती नहीं दुकाने, सागर देती उन्हें न मोती, हीरे देती उन्हें न खाने, उन्हें नहीं है आए कहीं से। आपका तो बेटा पोता नाती दामाद कलकत्ता पंजाब में कमाता है, उस भरोसा पर भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन इस प्राणी के कोई बेटा पोता और नाती कलकत्ता पंजाब में कमाने वाले नहीं। वो जीते हैं अपने श्रम पर, उनकी होती नहीं दुकाने, उसके लिए बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सभी लोग आगे बढ़ के बैठ जाएं, जिसके आगे में जगह खाली हो सभी लोग जगह को कैच कर लें। इधर पुरुषों के लाइन में काफी जगह खाली है आगे में, आप लोग आगे बढ़ के बैठ जाएं। उस मैक को हटा दीजिए। बोलिए सतगुरुदेव की जय। सब लोग बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं। अभी आप हम सभी लोग धर्म के संबंध में श्रवण कर रहे थे। एक पंक्ति में श्री गोस्वामी ने कहा, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम ताई, धर्म ने दूसर सत्य समाना, आगम निगम वेद पुराण बखाना। और हम लोग धर्म की परिभाषा सुन रहे थे। त्रिदिवसीय इस विराट सत्संग समारोह में आए हुए सभी संत भक्तों से हमारे संत कुछ देर पहले आपसे निवेदन किया था कि सत्संग में भी एक धर्म की आवश्यकता है, आप लोग जो सहयोग करना चाहते हैं। बगल में कार्यालय है, वहाँ पर कुछ कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं, जिनकी इच्छा हो कुछ सहयोग की भावना हो वहाँ जाके वो सहयोग भी कर सकते हैं। पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, थोड़ी सी चर्चा मैं भी आप लोग बीच में रखने का प्रयास करता हूं। एक बार एक सज्जन ने पूछा एक संत से कि सत्संग क्या होता है, सत्संग किसे कहते हैं। तो वो संत लगा कबीरपंथी हो और उन्होंने कहा, गांव ऊंचे पहाड़ पर और मोटा की बांह, कबीर अष्ठाकुर से ये उबरिए जाके छा,
तो उन्होंने पूछा, मैंने आपसे सत्संग के संबंध में पूछा और आप कबीर साहब की साखी सुना रहे हैं। उन्होंने कहा, कबीर साहब कहते संत एक ठाकुर है, सत्संग एक आध्यात्मिक सैलून है, सत्संग एक आध्यात्मिक ब्यूटी पार्लर है। बड़े गजब की बात करते हैं आप, महात्मा होकर के ब्यूटी पार्लर की बात करते हैं, आप सैलून की बात करते हैं। उस संत ने कहा, मैं निश्चित ही सैलून और ब्यूटी पार्लर की बात करता हूं, लेकिन वो ब्यूटी पार्लर बाहर का नहीं है, क्योंकि बाहर के ब्यूटी पार्लर में आप जाते हैं, बाहर के सैलून में आप जाते हैं, आपके बाल दाढ़ी भौं बनाए जाते हैं, आपके चित्र को सुंदर बनाया जाता है। जब आप समर्पित हो जाते हैं ठाकुर को, तब चाहे ठाकुर आपके घर पर आवे, चाहे आप सैलून में जाएं, ठाकुर को समर्पित होना पड़ता है। आप अगर डीएम हो, सीएम हो, पीएम हो, लेकिन ठाकुर के पास जाते हैं तो आप पूरी तरह से अपने सिर को समर्पित कर देते हैं, और ठाकुर आपका कान भी पकड़ता है, मुड़ी भी पकड़ता है, सिर पकड़ के जिधर मुड़ता उधर घुमाता है, तभी आपके चेहरे में निखार आता है, आपका चित्र सुंदर बनता है। सदगुरु कबीर कहते अष्ट ठाकुर से ये, ऐसे ठाकुर जो यहां पर बैठे हुए हैं, ये क्या करते हैं, आपके भीतरी चरित्र को बनाता है, आपके भीतरी चरित्र का निर्माण करता है। जैसे कैमरा भी दो तरह का होता है, एक कैमरा यहाँ पर लगे देख रहे हैं जो कैमरामैन आए हुए हैं, और मोबाइल के द्वारा बाहर के चित्र को लिया जाता है, बाहर का वीडियो बनाता है, बाहर का चित्र लेता, बाहर का फोटो लेता है। जब आप कहीं बर्तवाहारी में जाते हैं तो आप मांग करते हैं, लड़की हो या लड़का, उनका चित्र चाहिए, फोटो चाहिए, और वो मोबाइल से कैमरा से फोटो ला करके आपको देता है। लेकिन एक कैमरा फॉरेंसिक डॉक्टर के पास है, जो कैमरा बाहर का चित्र नहीं लेता है, वो कैमरा क्या करता है, आपके अंदर का चित्र लेता है, कहाँ पर हड्डी टूटी हुई है, कहाँ पर मांस बढ़ा हुआ है, कहाँ पर आपके अंदर पथरी है, वो पथरी को दिखाता है, वो हड्डी टूटी हुई को दिखाता है, वो नस को दिखाता है, भीतरी प्रॉब्लम को दिखाता है। उसी प्रकार से यह जो ठाकुर की दुकान, ये जो सैलून है, ये चलता फिरता, ये जलता हुआ दीपक है, और यहाँ आने के बाद जब समर्पित हो जाते हैं सदगुरु संतों को, आपका भीतरी चरित्र का विकास होता है, क्योंकि ये जलता हुआ दीपक है। कल जो दीपक जलाया गया था, वो दीपक बुझ गया और दीपक लुप्त भी हो गया, पता नहीं कहाँ गया। दीपक सोने का है कि चांदी का, दीपक मिट्टी का है कि तांबा का, दीपक एल्युमिनियम का है कि लोहा का, कोई महत्ता नहीं है। महत्ता इस बात की है, दीपक जल रहा कि दीपक बुझा हुआ है। अगर दीपक जल रहा है, मिट्टी का है, तो प्रकाश देगा, अगर सोने का दीपक है, बुझा हुआ है, आपके घर में अंधकार होगा, प्रकाश नहीं देगा। क्योंकि बड़े संत गुरुजन विराजमान है, मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा। एक छोटी घटना है, जब भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन का दीपक जल रहा था, उनके श्वास चल रहे थे, तो अयोध्या से जाकर के जब वनवास जाते हैं तो बीच में सीता का हरण होता है, और लंका जाकर के वो रावण सहित सबका विनाश करता है। अपने भार्या सीता को लेकर के वो अयोध्या आते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 16वीं सदी में हुए हैं, और वो लिखते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर। ये पंक्ति ध्यान देने योग्य है, ये गोस्वामी तुलसी की पंक्ति है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर। और 16वीं सदी में ही भारत में अफगान से बाबर आता है, और बाबर अयोध्या में राम के घर को तोड़ देता है, राम के मंदिर को नष्ट कर देता है, और वहां पर अपना मस्जिद बनाता है। अयोध्या से चित्रकूट की दूरी 350 किलोमीटर की है। जब राम जी जीवित थे तो राम जी यहां से जाकर के लंका में रावण का वध करके सीता को लाने में सक्षम हुए, जब उनके जीवन का दीपक जल रहा था। जब दीपक बुझ गया तो बाबर आता, उसके घर को तोड़ देता है, और अपने घर के बचाने के लिए नहीं आते हैं। बाबर के बाद वहां हुमायूं राज करता है, हुमायूं के बाद अकबर राज करता है, अकबर का बेटा जहांगीर राज करता है, जहांगीर का बेटा शाहजहां राज करता है, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, औरंगजेब का बेटा दारा शिकोह, और उनका भतीजा बहादुर शाह जफर अंतिम सांस तक वहां राज करता है। लेकिन राम जी नहीं आते हैं वहां उस मस्जिद को हटाने के लिए, अपने घर को बचाने के, अपने घर को खड़ा करने के लिए। 350 साल तक वहां मस्जिद रहता है, फिर जला हुआ दीपक आडवाणी, कल्याण सिंह या और कारसेवकों के द्वारा जब आते हैं तो मस्जिद को फिर तोड़ दिया जाता है, क्योंकि अल्लाह भी नहीं आते बचाने के लिए। और 28 साल तक राम की प्रतिमा वहां रहती है, राम के मूर्ति वहां लगे हुए हैं, और उनकी रक्षा में हजारों सैनिक वहां पर रक्षा कर रहे हैं, और एक महीने का खर्चा था 1 करोड़ रुपया।
15 में मेरा जाना हुआ तो मैंने देखा 3 फुट का छोटा रास्ता है उस रामलला के दर्शन के लिए। अब थोड़ा विचार किया जाए, जब राम जी के जीवन का दीपक जल रहा था तब राम जी समर्थ थे, सार्थक थे, वो कुछ भी कर सकते थे। जब बुद्ध के जीवन का दीपक जल रहा था तो बुद्ध ने पूरी दुनिया में अपना संदेश फैलाया। जब बुद्ध के जीवन का दीपक बुझ गया तो बुद्ध के अनुयायियों ने आपस में बंटवारा कर लिया, एक हीनयान एक महायान हो गया। जब महावीर के जीवन का दीपक जल रहा था तो महावीर से पूरे भारत प्रभावित थे, महावीर के जीवन का दीपक बुझ गया तो वहां दो परंपराएं हो गई, एक जैन हो गई श्वेतांबर, एक जैन हो गए दिगंबर। जब सदगुरु कबीर के दीपक जल रहे थे तो कबीर ने पूरी दुनिया के पाखंड को दूर करने का प्रयास किया, अपना प्रयास दिखाया। और जब सदगुरु कबीर चले गए तो कबीर पंथियों में ही कई परंपराएं बट गई। जब अब महर्षि मिहि के जीवन का दीपक जल रहा था तो पूरे कम से कम कोसी क्षेत्र को उन्हें देने का प्रकाश देने का काम किया। जब बुझ गए आपस में ही तकरार हो गए, एक परंपरा शाही के हो गए, एक संतसेवी के हो गए, लेकिन दीपक जलाने नहीं आए, जीवन प्रकाश देने नहीं आए। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं ये जो ठाकुर है, ये संत हैं, जलता हुआ दीपक है, इनकी सेवा अगर हम करेंगे, इनके सानिध्य में हम जाएंगे तो हमारे जीवन का दीपक भी जलेगा। शर्त क्या है? जैसे उस दीपक के पास में जलाने के लिए अपने दीपक में तेल और बाती चाहिए, ऐसे ही इस संत गुरुजन का जीवन का दीपक जल रहा है, यहाँ आने के लिए हमारे जीवन में श्रद्धा का तेल और विवेक का बाती चाहिए। श्रद्धा है, विवेक नहीं है तो काम नहीं बनेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा श्रद्धावान लभेते ज्ञानम, और बहुत सारी बातें उन्होंने कहा। उन्होंने एक जगह प्रसंग भेद से कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, और कुछ लोग कहते कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे, इंसान जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। लेकिन मैं कहे तो प्रसंग भेद से हो सकता अलग जगह, लेकिन हर जगह यह पंक्ति सेट नहीं करता है, हर जगह यह पंक्ति सेट नहीं करता है, क्योंकि हर विषय वस्तु के हर घड़ी दो भाग होते हैं, एक ही पानी के ओले और झाग होते हैं, नयनों को सजाती है काजल, लगे आंचल में तो दाग होते हैं। आप किसी मजदूर, आप मजदूर हैं, किसी किसान के घर में काम करिए और शाम के समय वो कहे कि कल आज नहीं है, भगवान आपको मजदूरी दे देगा, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, तो काम बनेगा क्या? वहां पर सीना पर चढ़ करके आप काम आज किया तो फल भी आज ही पा लीजिए, फल ले लीजिए, और नहीं देता तो पंचायत बैठाते हैं। तो मेरे कहने का खास बात, सदगुरु कबीर कहते हैं अष्टाकुर से ये जो संत महापुरुष है, जो आध्यात्मिक सैलून है, यहाँ आप आए हैं अपने जीवन को समर्पित कर दें। समर्पित करने का मतलब क्या है? आपके पास जो अहंकार है, आपके पास जो विकार, उनका त्याग करके साधु संतों के विचारों को आप ध्यानपूर्वक सुने और सुनी बातों को अपने जीवन में धारण करें तो आपका जीवन बदल जाएगा। जो एक बात मैं बराबर कहा करता हूँ कि सत्संग में हम लोग कितना देर बैठते हैं, महत्ता इस बात की नहीं है, महत्ता सत्संग हमारे जीवन में कितना देर बैठता है। सत्संग में हम लोग कब से आते हैं, महत्ता इस बात की नहीं है, महत्ता सत्संग हमारे जीवन में कब से आया है, इतिहास साक्षी है। रत्नाकर कभी सत्संग में नहीं गया था, चंद मिनटों का सत्संग मिला रत्नाकर को, देवर्षि नारद के साथ पाया, रत्नाकर के जीवन की धारा बदल गई, रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गए और कालजय रचना रामायण का निर्माता बन गया। अंगुलीमाल कभी सत्संग में नहीं गए थे, 2 मिनटों का सत्संग मिला, बुद्ध का सानिध्य प्राप्त हुआ और अंगुलीमाल के जीवन की धारा बदल गई, वह भी बुद्धि हो गए। तो हमारा सत्संग में बैठना बहुत देर सार्थक नहीं है, सत्संग का हमारे जीवन में बैठना सत्संग की सार्थकता है। तो सत्संग में हम लोग बहुत जा चुके, बहुत बैठ चुके हैं, अब सत्संग को अपने जीवन में जगह दीजिए, सत्संग को अपने जीवन में आने दीजिए। तो मैंने थोड़ी चर्चा की, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को देता हूँ विराम। और रानी पत्रा से पधारे हुए परम श्रद्धेय संत श्री जयस्वरूप साहब जी से मैं निवेदन करता हूँ कि साहब जी 15 मिनट तक हम लोगों को अपने गंभीर ज्ञान से लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सदगुरु देव की जय। मंचस्थ श्रद्धेय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, बुद्धिजीवियों,
त्रिदिवसीय कार्यक्रम का यह दूसरे दिन का दूसरा सत्र चल रहा है। भिन्न भिन्न संतों के विचारों को सुने हैं, आगे भी सुनना है। उन्हीं विचारों की कड़ी में दो बातों पर निवेदन। प्रकृति जगत में दो क्रियाएं हैं, एक जड़ात्मक क्रिया और एक चेतनात्मक क्रिया। जड़ात्मक क्रिया जो अनादि से चल रही है, उस जड़ात्मक क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्योंकि शरीर, प्रकृति, पेड़, पहाड़, हवा, इस रुख में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और कहीं कहीं परिवर्तन करने का प्रयास किया है तो वो चेतना जिसकी विकसित है, उस विकसित चेतना वाले प्राणी के द्वारा कुछ ऐसी दुर्घटना हुई है जिसके चलते वो विकृति प्रकृति में आई है। प्रकृति में कोई विकृति प्रकृति के चलते नहीं आई। आपने देखा हो कोरोना काल में समूचे विश्व में, समूचा विश्व त्राहिमाम कर रहा था और समूचे विश्व का व्यापार बंद हो गया। जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी बंद हो गई। जो प्लेन उड़ान भरता था, एक मिनट में 750 प्लेन उड़ता था अमेरिका का, वो भी थम गया। जैसे थमा, सुनते थे आप लोग कि गंगा का पानी अपवित्र हो गया है, गंगा के पानी में गंदगी आ गई है। जैसे प्रकृति प्रदत्त नियम अपनाया है, मनुष्य के द्वारा जो विकृति फैलाई गई थी जिन जिन माध्यमों से, वो सब कुछ बंद हो गया। कुछ ही दिनों में, एक महीना के अंदर, जो गंगा का पानी गंदगी लेकर के, गंदगी से भरा हुआ था, उस पानी में हरियाली आ गई। बारिश आपने देखा कि बारिश कभी कभी सालों साल नहीं होता था, लेकिन जैसे सारी फैक्ट्रियां बंद हुई, मनुष्य के द्वारा जो निर्मित चीजें थी जिसके चलते प्रकृति में विकृति आई थी, देखा आपने कि बारिश भी समय पर हुआ, तो प्रकृति में भी विकृति आई तो केवल मनुष्य के चलते, मनुष्य के चिंतन के चलते। ऐसे धरती तल पर मानव जीवन की महिमा शास्त्रों में काफी गाई गई है, लेकिन मनुष्य को छोड़कर मानवेतर जितने प्राणी हैं वो सब प्रकृति में जी रहा है। प्रकृति प्रदत्त नियम का पालन करता है। आप देखते होंगे गौ के बीच 100 गौवे हैं, उस गौ के बीच सांड घूमता रहता है, लेकिन कभी सांड के द्वारा बलात्कार की घटना सुने हैं? कभी बलात्कार की घटना नहीं घटी। जब तक प्रकृति की योग्यता नहीं होती है तब तक वो संबंध स्थापित नहीं करता है। लेकिन मनुष्य के जीवन में देखिए, या और प्राणियों के बीच देखिए, सिंह के बीच देखिए, हाथी के बीच देखिए, जितने प्राणी हैं मनुष्य को छोड़कर वो सब प्रकृति में जीता है, लेकिन मनुष्य धरती का ऐसा प्राणी है कि वो विकृति में जीता है। इसलिए मानव स्वभाव की तीन स्थितियां हैं, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। प्रकृति में जीने वाला इंसान है, जो प्रकृति प्रदत्त नियम का पालन करता है,
प्रकृति प्रदत्त नियम क्या है कि जो खाना चाहिए, जो खाद्य पदार्थ है उसी को ग्रहण करता है, जो अखाद्य है उसका त्याग करता है। और इस नियम का पालन जानवर करता है। सभी लोग किसान हैं यहाँ, बैल को खाने दिए हैं घास, और उसके घास में सुबह सुबह मांस का टुकड़ा मिला दीजिए, मछली को टुकड़ा टुकड़ा करके घास में मिला करके डाल दीजिए, पानी के बदले शराब डाल दीजिए, आप लोग बताइए उस घास का सेवन करेगा वो मर सकता है, लेकिन जिसमें अखाद्य पदार्थ मिला हुआ है उसको ग्रहण नहीं करेगा। पेय पदार्थ है जो पीने योग्य नहीं है, वह जानवर प्रकृति में जी रहा है उस पदार्थ को कभी ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन मनुष्य, जिस मनुष्य को धरती का सिरमौर प्राणी कहा गया, मैंने कहा कि प्रकृति में जो विकृति आई है उस विकृति का मूल कारण है मनुष्य। मनुष्य की जो चेतना प्रशमित है, उस प्रशमित चेतना का परिणाम है आज समूचे विश्व में समस्याएं खड़ी है। मैंने कल कहा था कि समूचे विश्व में जो समस्या है उस समस्या का सबसे मूल समाधान, मूल कारण है जिस पर चर्चा कर रहे थे, धर्म को आधार मान करके मांस। आज मांसाहार इतनी तेजी से बढ़ा है जिसका परिणाम है कि आज हर एक व्यक्ति रोगी होता जा रहा है। जो संत महापुरुष हजारों बरस पूर्व से आपसे निवेदन करते आ रहे थे और आपसे कहा ऋषियों ने कि आहार शुद्धो सत शुद्धि, सत शुद्धो ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृति विप्र मोक्ष, कहा आहार को शुद्ध करो। शुद्धा आहार मनुष्य के जीवन के लिए सबसे अच्छी चीज है। वैज्ञानिक रिसर्च है, जो छात्र हैं और जो अध्यापक हैं कान खोल करके सुनिएगा, क्योंकि आज के छात्र को और अध्यापक को जो अच्छी चीजें हैं उसको सुनने का अवसर नहीं है। साधन सबके साथ है, ये साधन सबके पास है, लेकिन इस साधन का आज सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग हो रहा है। यदि इस साधन का सदुपयोग किया जाए तो ये प्रवचन देने की आवश्यकता नहीं है, संत महात्मा को बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी जितनी बातें इस पर हो रही है। यदि केवल इसको हम ठीक से सुन लें तो आज हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए प्रकृति प्रदत्त जो नियम, जिस जो हम मांसाहार करते हैं, जो ऋषि ने कहा कि आहार शुद्धो सत शुद्धि, वो आज इस युग में वैज्ञानिक लोग चिंतन करके, और वैज्ञानिक चिंतक कह रहा है, और भारत का वैज्ञानिक छोड़ दीजिए, क्योंकि भारत के वैज्ञानिक का नाम हम लेंगे तो सब लोग कहेंगे कि भारत में तो धर्म धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, धर्म की दृष्टि से कहे कि मांसाहार नहीं खाओ। भारत को छोड़ दीजिए, जो देश भोगवाद में जीता है, जिसका आधार केवल भोग है, भोगवादी देश का वैज्ञानिक आज रिसर्च करके बता रहा है कि समूचा विश्व यदि मांसाहार का त्याग कर दे अभी से, तो जिसकी आयु 50 वर्ष है उसकी आयु 15 वर्ष बढ़ जाएगी, 65 वर्ष उसकी आयु हो जाएगी, और जो बचपन से मांसाहार छोड़ देता है उसकी आयु 100 वर्ष होगी। यदि मांसाहार केवल छोड़ दिया जाए तब, कि मांस मनुष्य के लिए नहीं है, मांस जानवर के लिए है। अभी सुन रहे थे, व्याख्या सुन रहे थे कि मनुष्य प्रकृति से शाकाहारी है, शाकाहारी का लक्षण है मनुष्य के पास, और उस शाकाहारी का लक्षण छोड़कर मनुष्य आज मांसाहार के तरफ दौड़ता चला जा रहा है। इसलिए आज आवश्यकता है चिंतन करने की, आज आवश्यकता है अपनी चेतना को जगाने की। जगी हुई चेतना हमारी उस छात्र को और अध्यापक को, जो बुद्धिजीवी हैं, कान खोल करके ठीक से समझिए इस बात को कि मांसाहार का त्याग आज से करें, आज से लाभ होगा। क्योंकि जितने असाध्य रोग पैदा ले रहे हैं उस असाध्य रोग का प्रमुख कारण मांसाहार है, और बहुत से कारण हैं। असाध्य रोग का प्रमुख कारण दुर्व्यसन है, जिस दुर्व्यसन के पीछे आज हम दौड़े
चले जा रहे हैं, हमारा देश पूरी दुनिया दौड़ी हुई चली जा रही है। कहा किसी कवि ने कि हजारों बह गए बोतलों के इस बंद पानी में, हजारों बह गए बोतलों के इस बंद पानी में, इस बोतल के पीछे पूरी दुनिया दीवानी हो गई है। और दीवानी का परिणाम है कि वह बोतल हमारे आयु को छीन कर दिया, वह बोतल वह व्यसन। आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जिसका भविष्य, जो इस देश का भविष्य हो सकता है, जिसको जिसके लिए कहा था इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, आज इस देश के बच्चे का भविष्य अंधकार में है। राष्ट्रवादी भावना हमारी खतरे में है। इसका कारण क्या है? इसका कारण बच्चा नहीं है, इसका कारण आप सब लोग हैं, हम सब लोग हैं। क्योंकि बच्चे के अंदर ये संस्कार आया कहां से? बच्चे के अंदर ये संस्कार कहां से आया? आकाश से तो नहीं आया। इस संस्कार के लिए कहीं विद्यालय तो नहीं है, कहीं महाविद्यालय तो नहीं है। ये संस्कार आया है हमसे, हम परिवार से, समाज से। आज हमारा परिवार, हमारा समाज विश्रृंखल हो गया, हमारी चेतना प्रशमित हो गई। उस प्रशमित चेतना का परिणाम है कि आज हमारा जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। इसलिए जो ऋषि ने कहा था कि आहार शुद्धो सत शुद्धि, और आज के दिन चलते फिरते, चूंकि कहा है विचारकों ने कि भारत की हवा में फिलॉसफी घूमती है। सुनते होंगे देहात के लोग कहते हैं, ये तो संस्कृत में है, देहात की भाषा है, जो हलवाहा है उसके मुंह पर यह वाक्य है। चूंकि भारत की हवा में संस्कृति दौड़ रही है, लेकिन उस संस्कृति का हमने अतिक्रमण करके विकृति की तरफ दौड़ते चले जा रहे हैं। वो हलवाहा कहता है जैसा खाओ अन्न, भाषा कितना सरल है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसी पियो पानी वैसी होगी वाणी। अब उपदेश की आवश्यकता रह गई है क्या? अब उपदेश की आवश्यकता नहीं है, अब इस उपदेश को पालन करने की आवश्यकता है। हम गंगा के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं गंगा स्नान करने, लेकिन इस देश का एक एक व्यक्ति जानता है, उसके पास भी ज्ञान है। हम लोग पढ़ लिख करके जाने हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है, विद्यालय महाविद्यालय नहीं गया है, उसके अंदर भी यह ज्ञान है। एक आदमी दौड़ा चला जा रहा है और हल जो रहा जोत रहा था हलवा, कहा कि क्या हल जोतते हो? कहा चलो। कहाँ जा रहे हो? कहा गंगा स्नान करने। कहा गंगा स्नान करने से क्या होगा? कहा गंगा स्नान करने से मुक्ति मिलेगी, मन पवित्र हो जाएगा। वो हलवा क्या कहा? हलवा का मन है चंगा, कठौत में गंगा। जिस देश की हवा में ज्ञान तैर रहा है, आज दुर्भाग्य है उस देश का आदमी अज्ञान के अंधकार की तरफ डूबता चला जा रहा है। और इसका कारण कौन है? इसका मूल कारण है कि हमारी चेतना प्रशमित हो गई है, और चेतना प्रशमित इसलिए हुई है कि हमारा जो विचार है, हमारा जो आचरण है, उतना अवकाश नहीं है जो मैं इसकी व्याख्या करूं। हमारा जो आचरण है पाश्चात्य सभ्यता में डूबता चला जा रहा है, पाश्चात्य संस्कृति में। जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का आज हमारे देश में खुलेआम अवलोकन किया जा रहा है, उसको अपनाया जा रहा है। इस पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को के आगमन का मार्ग उसी समय बंद होना चाहिए था जिस समय यह देश आजाद हो गया था। 15 अगस्त 1947 को जैसे देश आजाद हुआ था, उसी तरह से पाश्चात्य संस्कृति को यहां से विदा कर देना चाहिए। वो पाश्चात्य संस्कृति से निकल करके ही आहार आया है, ये भोजन मांसाहार आया। कहा आज देख लीजिए कि मंच लगता है, यहाँ पर 3 दिन का मंच लगा है। अब बहुत परिश्रम से एक छोटा बच्चा का संकल्प और सब लोग मिलकर के किया है। 3 दिन तक यहाँ आप बातों को सुनेंगे, लेकिन हर एक घर में एक इडियट बॉक्स है, वो रखा हुआ है। और उस इडियट बॉक्स पर प्रचार आता है कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। और जब बच्चा इसको सुनेगा तो असर इसका करेगा कि संत महापुरुष का करेगा। और बड़े बड़े लॉबी बने हुए हैं, बड़ी बड़ी लॉबी है कि
कि मांसाहार इस देश में बढ़ता चला जाए, क्योंकि जब तक इस देश में मांसाहार नहीं बढ़ेगा तब तक इस देश के आदमी का जो शरीर है वो कमजोर नहीं होगा। शारीरिक कमजोरी आ जाए, आर्थिक कमजोरी आ जाए इस देश में, मस्तिष्क से कमजोर आ जाए, इसके लिए सारी साजिश चल रही है। और उस साजिश का कारण है टीवी और सिनेमा, और वहां से हम देख करके आए। यहाँ आने के लिए तो बहुत कम अवसर है, जो लोग आए हैं यहाँ पर हमको लगता है अधिकांश 40 के ऊपर वाले हैं, जिसको अधिक आना चाहिए। आप लोग भी आए हैं, सम्मान है, लेकिन जिसको आगे बढ़ करके आना चाहिए, जो 16 वर्ष के बच्चे हैं, 25 वर्ष के लड़के हैं, जिसको आकर के यहाँ सुनना चाहिए, आप नजर उठा करके देख लीजिए कि कई प्रतिशत यहाँ है। देश का भविष्य सही होगा क्या? अपना भविष्य सही होगा क्या? इसलिए मैंने निवेदन किया कि दो प्रकृति प्रदत्त जो नियम है, एक जड़ात्मक क्रिया और एक चेतनात्मक क्रिया, जड़ात्मक क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, परिवर्तन हुआ है तो हमारे चलते, और चेतनात्मक क्रिया में जो परिवर्तन हुआ है वो केवल मनुष्य में हुआ है। मनुष्य का विवेक समाप्त हो गया है, मनुष्य विवेक विहीन हो गया है, विवेक विहीन मनुष्य का परिणाम है, मनुष्य के जीवन का आज परिणाम है कि सबका जीवन समस्याओं से भरा हुआ है, चाहे वो धार्मिक समस्या हो चाहे आध्यात्मिक समस्या हो। इसलिए इन समस्याओं से ऊपर उठने के लिए आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। इस समस्याओं से ऊपर उठने के लिए संत महापुरुषों के सहचर्य की आवश्यकता है। इसलिए मेरा समय पूरा हुआ, मैं थोड़ा निवेदन किया, इसलिए सब लोग अपने अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। अपने जीवन को जो हम छोड़ दिए हैं भगवान पर, मंदिर पर, मंदिर के भरोसे, खुदा के भरोसे, उस पर नहीं। कबीर साहब ने कहा, करो बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आगन नदी बहे सो कस मरे प्यास। अपनी चेतना को जगाइए और अपने जीवन की दिशा को परिवर्तित कीजिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को बोलिए। सदगुरुदेव की तो कोई जय नहीं बोल रहे, सब लोग नाराज हैं क्या कि गर्मी में सब जय ही दब गया है? श्री गोगरा जी से निवेदन है कि आप इधर और बिछावन की व्यवस्था कर दें माताओं की तरफ पीछे में। प्रमोद जी से निवेदन है कि जितना जल्द हो सके और व्यवस्था कर दें बिछावन की, इधर बिछा दें। एक बार जोर से जय जयकार लगाएं सभी लोग। बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की। दाद जब हो जाता है शरीर में तो बीच में गोल गोल करके बीच में खाली हो जाता है, और कुछ लोग बैठते हैं तो पंडाल में भी दाद बना देते हैं। ये बच्चियां लोग आ जाओ आगे आगे। बाबा की कहते नहीं बैठी, उन्हें पाछू घसक जो। आप लोगों को बहुत आरक्षण मिला है 50%, आप पीछे जाएगी और पीछे ही ढकेलते चली जाएगी। आगे बढ़ो ना जल्दी, एकदम भर करके बैठिए ना, बीच बीच में खाली काहे कर रखते हैं? नहीं तो अपने लाइन में है, वही लोग बेलन चली जाती है। आइए, नहीं तो जय बलवाने में हमारा भी समय साफ हो जाएगा। परम पूज्य सदगुरुदेव जी का एक हृदय के गीत है कि सुख ढूंढ रहे तुम वन में गिरी गावर के कंदर में, पर तू पता नहीं पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर दर दर ठोकर खाता है। घर में, वन में, मंदिर, चौराहों, बाजारों में, नृप के कोषागारों में सुख शांति नहीं तुम पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में। आज तक हम लोग सुख को ढूंढते फिर रहे हैं, बचपन से लेकर जवानी बीते, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक सुख ही ढूंढ रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। कि वस्तु कहीं और है और ढूंढना कहीं और चालू है। कहा सुख ढूंढ रहे तुम वन में
गिरी गबर के कंदर में, पर तू पता नहीं पाया हुआ है तेरे अंदर में। कहा तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर दर दर ठोकर खाता है। आज तक बचपन बीता, बचपन में हमें सुख लगता है मां की गोद में। देखते होंगे छोटे बच्चे जब मां की गोद से उतार दे जाए, चलो खेलेगा, जोर से चिल्लाने लगता है। और कुछ दिन बीतने के बाद उसी बच्चे को जब उठा के मां गोद में लेती है तो कूद करके जमीन पर भागता है। क्यों? उसे सुख लगता है कि मुझे खेलने में है। वही बच्चे कुछ दिन बड़े होते हैं, लगता है सुख है पढ़ने लिखने में। थोड़ा और युवा होता है तब उसे सुख लगता है स्त्री में। और जितना खोज है सब बाहर ही चल रहा है, भीतर कोई लेना देना नहीं है। अंतर यही है, काम तो शुरू है लेकिन सुख ढूंढ रहे हैं हम बाहर में। उसके बाद सुख ढूंढते हैं पत्नी में, वहां भी नहीं मिला, धोखा मिला। अब पत्नी ढूंढती है पति में, उसमें भी सुख नहीं मिला। थोड़े दिन बाद दोनों में खटर पटर शुरू हो जाता है। पत्नी जब पहले पहले आती है तो कैसे दिखती है? चंद्रमुखी। और जब कुछ दिन बीत जाता है तो ज्वालामुखी नहीं हो जाता है? पहले पहले आती है तो चंद्रमुखी, थोड़ा दिन बीत जाने के बाद सूर्यमुखी हो जाती है, और थोड़ा दिन बीत जाता है तो ज्वालामुखी। तब कहता है बाबा वहीं वहां भी सुख नहीं है। सुख तो हम ढूंढ ही रहे हैं, काम तो चालू है, बस वस्तु अंते खोजे अंते। माल कहीं और पड़ा है, सामान कहीं और है, खोज कहीं और रहे हैं। एक बूढ़ी माता थी, शाम के समय उसकी सुई गिर गई। तब तक उजाला ही था, ऐसे ही 3-4 बजे होंगे, यही वक्त रहा होगा। और जहां वो सिल रही थी गुदरी, वो आंगन के बाहर रहा, लेकिन शाम को वो रात में ढूंढ रही थी सुई कहां, जहां लालटेन जल रहा था वहां। समझिएगा बात को, छत के ऊपर से भाग जाएगा यदि इधर उधर ध्यान दिए। वो सुई कहां ढूंढ रही है? जहां लालटेन जल रहा है। किसी ने पूछा माता जी क्या ढूंढ रहे हो? कहा मेरी सुई खो गई। तो यहां खो गई, वो भी खोजा नहीं मिला। तो कहा कहां गिरा था? कहा उस समय उजाला था, आंगन के बाहर बैठी थी। फिर आंगन में क्यों ढूंढ रहे हो? सुई खो गई कहां, ढूंढ रहे हैं कहां? कि उजाला के पीछे भागते फिरे। हमारे जीवन की यही कहानी है। जवानी बीत गई, अब पैसे में सुख ढूंढने लगा, खूब दौलत बढ़िया कमाए, खूब मेहनत किए, सोचे इससे पूरा सुख मिल जाएगा। दौलत जितना आया उतने नींद से दूर होते चले गए, नींद भी उड़ गई दौलत को संजोने में, नींद भी उड़ गई, सुख वहां धन में भी नहीं मिला। फिर क्या किया? बुढ़ापे में देखा पोता पोती में सुख है, वहां भी नहीं मिला। जब पोता पोती से पानी मांगा, परसों 4 दिन की बात है, एक जगह गया था, एक बूढ़ी माता बैठी हुई थी, उसकी पोती जो है बड़ी सुंदर थी। जब वो कुछ छोटी थी तो पानी ले आओ, सामान ले आओ घर से ले आती थी। तो मैंने कहा कि तुम्हारी पोती बड़ी अच्छी है। क्या अच्छी है खाक बाबा? कहती हूँ एक गिलास पानी ले आओ तो मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पाँव में दर्द है, बहाना बना देती है, छोटी सी बच्ची। पोता पोती में भी सुख नहीं मिला, एक गिलास पानी भी नहीं मांगता है तो देता है। ये सुख तो ढूंढता ही रहा, पूरा बुढ़ापा बीत गया, पूरी जवानी चली गई, सुख मिला क्या? कहीं नहीं मिला। गुरुदेव जी कहते सुख ढूंढ रहे तुम वन में गिरी गबर के कंदर में, पर वह पता नहीं पाया वह है तेरे अंदर में। अभी तक तो बाहर ही सुख ढूंढ रहा था, बाहर कहीं नहीं मिला। तब भीतर की यात्रा शुरू करता है जब गुरु बनाओगे तब। जब तक गुरु नहीं तब तक शुरू नहीं। अंधेरे में तीर मारने से कभी तुक्का लगेगा कभी नहीं लगेगा।
इसलिए गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। एक बार जन्म माता पिता से होता है, दूसरा जन्म गुरु से होता है। हमारे जीवन में खाए पिए खूब बढ़िया, सोए, सोने को कहां है चैन, लेकिन यात्रा जो सुख की करनी चाहिए वहां हमने किया नहीं। वो सुख की यात्रा भीतर की यात्रा है। जिस दिन से आप बाहर की यात्रा बंद कर देंगे और भीतर की यात्रा शुरू करेंगे, गारंटी के साथ कहता हूं कि परम सुख और परमानंद की ओर आप बढ़ते चले जाएंगे। जीवन का वो परम सुख परम लक्ष्य जहां है, हम वहां जाते कहां है। कहा वस्तु अंत खोजे अंत, सदगुरु कबीर साहब ने कहा वस्तु कहीं और है, ये दुनिया वाले ढूंढ कहीं और रहे हैं। एक जगह सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि घर जरे घूर बुताए, आग लगी है घर में, अब पानी देने जा रहे हैं घूर में। घूर जानते हैं, कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दीजिए, उसको घूर कहते हैं। घर में आग लगी हो और घूर में पानी डालने जाए, कोई भी आदमी कहेगा ये मूर्ख आदमी है। मूर्खता तो हम सब भी कर रहे हैं। भगवान है सबके हृदय में और ढूंढ रहे हैं बारे में होगा। कहा इंसान से नफरत करते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे। इंसान को जो अपना न सके, भगवान को क्या अपनाओगे। इंसान से नफरत करते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे। कहा इंसान से नफरत करते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे। इस इंसान में जिसको भगवान नहीं नजर आया, दुनिया के किसी कोने में भगवान नजर नहीं आएगा। समझ का फेर है, जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो भीतर की ओर ढूंढे। भीतर की यात्रा चालू होगी आंख बंद करने के बाद, और बाहर की यात्रा शुरू होती आंख खुलने के बाद। ये भीतर का आंख यदि खुल गया विचार और विवेक का, तो हमारा जीवन ही सफल हो जाएगा। कहा बाहर की दो गई ही हो की गई हराए, कहें कबीर जाकी चारे हो गई ताको का उपाय। कबीर साहब ने कहा कि बाहर की दोनों चली गई, अंडा मांस मछली मदिरा पत्थर पानी पूजते पूरते चले गए। बाहर की तो दोनों ही गई, क्योंकि आंख से आदमी को मुर्गा का वीर्य नजर नहीं आता है, गंदगी उसको भी खा पी के बराबर कर देता है, और जितना जानवर है उसको भी खा पी के बराबर कर देता है, क्योंकि बाहर का दोनों आंख से नजर नहीं आता है। पत्थर में जीव है कि नहीं है, पानी में जीव है कि नहीं है, उसमें भी हमें भगवान नजर आता है, आंख से दिखाई कुछ नहीं देता है। कहा ये दोनों तो गया ही गया, कहा अंदर की दोनों और चली गई, कौन विचार और विवेक। ना कभी हमने विचार किया, ना हमें कभी ने विवेक किया, और अंधाधुंध जो मानते चले गए, मानते चले गए। ऐसे ही एक मेला लगा हुआ था एक जगह, सिंहेश्वर स्थान का मेला लगा हुआ था। वहां ढेर सारी महिलाएं महादेव जी की पूजा करने जा रही थी। मेला समापन होने के बाद वहां से सभी यात्री अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। एक जगह एक नगर वधू जिसको वेश्या कहते हैं, वो भी जा रही थी रास्ते रास्ते, बाथरूम लगा उसे। वो रास्ते बगल में ही एक बगल बैठ गई, वो अगल बगल देखा कोई आ नहीं रहे थे, हल्की शाम का समय रहा, तो उन्होंने देखा कि बहुत स्पीड में दो युवक जा रहे हैं, एक बुजुर्ग है एक साथ में है। उसने सोचा ये दोनों आदमी लगता है मुझे देख लेगा, कहेगा कि वेश्या की जात बड़ी बदतमीज होती यहाँ पेशाब कर रही है। उसने दो मुट्ठी वहां पर मिट्टी दे दिया। मिट्टी देने के बाद वो दोनों को शक हुआ कि आखिर ये कर क्या रही यहां पर। वो दोनों आदमी ने कहा अरे माता यहां क्या कर रही हो। उसने कहा धुरंधर भगवान है,
ये धुरंधर भगवान को दो मुट्ठी धूल चढ़ाने के बाद भगवान खुश हो जाते हैं। वो दोनों बुजुर्ग एक युवा दोनों ने धुरंधर भगवान को दो मुट्ठी वो भी चढ़ा दिया। उसे देखकर चौथा आदमी आया, पांचवा आदमी आया। ये भेड़ की जात वाला मनुष्य बुझता और समझता तो कुछ है नहीं, अंदर का भी विवेक नहीं लगाया। होते होते इतनी राख की ढेर हो गई वहां पर, वो मिट्टी की ढेर। धुरंधर भगवान धुरंधर भगवान धुरंधर भगवान हो गया। अब पुलिस को पता चली, बड़ा चढ़ावा आने लगा। पुलिस ने सोचा चलो इसकी जांच की जाए। वैज्ञानिक लग गया जांच करने लगा, पता लगाने लगा ये भगवान उत्पन्न कैसे हुए, इसका जन्म कहां से हुआ। पता लगाते लगाते फिर वो नगर वेश्या के पास पहुंचा। उससे पूछा गया कि तुमने धुरंधर भगवान को कैसे दर्शन पाया। अब वो शर्म के मारे कहीं मैं अकेले में बताऊंगी, सबके सामने कुछ कह नहीं सकती हूं। मीडिया वाले पहुंच गया, उसने कहा कि मैं वहां पर पेशाब की थी, दो आदमी मुझे पूछ दिए, मैं शर्म के मारे उसे झूठ बोल दी कि धुरंधर भगवान जन्म ले लिए। अब उसके चलते जो है साल भर में वो वहां मेला बड़ा गजब का लगने लगा। असली जो सच्चाई का सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। बंधुओं सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। हम मान ले अंदर से कि खूंटा में भगवान है और आप जबरदस्ती दूसरे को मनवाना चाह रहे हैं तो गलत बात है। खूंटा फाड़ने के बाद कुछ निकलता है नहीं। ये इंसान से दुनिया नफरत करती है, जिसमें भगवान है वहां भगवान नहीं मानता है, जहां भगवान नहीं है वहां पर सिर रगड़ने जाता है। अजीब प्रकार की ये संसार है। माता बेटा कहा, वेदों में बताया गया चार ही देवता, पूरे वेद को पढ़ डालो सब निचोर निकल जाएगा। कहा मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। माता पिता देवता है, गुरु देवता है, कहा अतिथि देवता है। ये चार देवता के अलावा पांचवा देवता कोई पत्थर पानी में बताया ही नहीं, और हम लोग रात दिन उसमें पूजने में लगे हुए हैं। तो कहा पत्थर पूजू हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वह चक्की भली जो पीस खाए संसार। पत्थर में भगवान नहीं है। मूर्ति पत्थर की हो या कागज की हो, बीते हुए जो गए हुए महापुरुष है उनका चित्र होता है, चित्र में चरित्र छिपा होता है। उनके सद्गुणों को धारण कीजिए, उसको अगरबत्ती और मिठाई खिलाने से भगवान खाते वाते नहीं है। का पत्थर जो भोग खाता तो टट्टी जरूर जाता, भगवान यदि भोजन करता तो लैट्रिन उसको जरूर लग जाती, क्योंकि आदमी खाता है तो लैट्रिन जरूर जाता है। हम लोग उसमें लगे हुए, एक किलो मिठाई चढ़ा दो हम लोगों का धर्म कर्म हो गया, इससे काम चलने वाला नहीं है, ये ठग मंत्र है। असली भक्ति करना होगा, और जो असली भक्ति करेगा, कहा गुरु भक्ति कर देत है सकल पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। मैं कह रहा था कि हम लोगों का वस्तु कहीं और है, सुख कहीं और है, ढूंढ कहीं और रहे। का सुख ढूंढ रहे तुम वन में गिरी गावर के कंदर में, पर तू पता नहीं पाया वह है तेरे अंदर में। का तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है। पूरे दुनिया के उद्भट विद्वान परम तपस्वी संत महापुरुष हुए, जिन महापुरुषों का नाम ले लो उन्होंने भीतर की यात्रा किया और उस परम तत्व के दर्शन के बाद उसमें जो आनंद है, जिसको परमानंद कहते हैं, महाआनंद कहते हैं, उसमें वो संलग्न हो गए। और अंदर की यात्रा होते ही सारे बाहर की यात्राएं छूट जाती है। जब कहते हैं ये लड़कियां छोटी छोटी होती है तो कन्या पुत्रा खेलती है ना, इधर खेलता था बंद हो गया, गुड़िया गुड़वा सुप सुपलिया ये सब बच्चे लोग खेलते थे, तो गुड़िया गुड़वा की शादी भी करवाते थे और बढ़ाती भी जाते थे, गीत भी गाती थी, उसके दुरागमन भी होता था। ये छोटे छोटे बच्चे आजकल के तो पढ़ने लिखने में व्यस्त है, वो कन्या पुत्रा गया। और जब वो बड़ी हो जाती थी, वही जो लड़की गुड़िया गुड़वा से खेलती थी, वही जब बड़ी हो जाती थी, जब असली पति मिल जाता था, तो कन्या पुत्रा छूटता था कि नहीं? नहीं छूटता था। बचपन में हम लोग मिट्टी के बालू का घर बनाते हैं, बालू का भगवान बनाते हैं, बालू का बैल बनाते हैं,
मंदिर बनाते हैं, सब कुछ चढ़ाते हैं, और शाम को जब बचपन में हम लोग घर से जाने लगते थे नदी किनारे से, सबका इसका देवता को वो फोड़ दे, उसका देवता को वो फोड़ दे, चल दे। वही काम आज भी कर रहे हैं। हम लोग जवान हो गए हैं, बस क्वालिटी बदल गया। उस समय बालू का घर और मंदिर बनाते थे, आज सीमेंट गिट्टी बालू का बनाते हैं और पत्थर का भगवान मूर्ति बनाते हैं, मिट्टी का भगवान ला करके प्रस्थापित कर देते हैं और उसको प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। होता क्या है, शाम होने के बाद, दो दिन होने के बाद नाच गा करके जब थक जाते हैं, उसी मिट्टी के भगवान को ले जा करके खाड़े में फेंक देते हैं, जिसको आप विसर्जन कहते हैं। शब्द वही है, भसा देना है, फेंक देना है, एक ही बात है, क्योंकि भगवान में प्राण नहीं है। यदि कहो उस मिट्टी के भगवान को विसर्जन करता हो, आदमी के एक आदमी को कहे, वो यदि सच में हो जाए कि अगर रे बेवकूफ, तीन दिन तक तू मेरी पूजा किया, आज ला करके इस गंदी जगह मुझे फेंक रहे हो, नालायक, मैं एक गदा मारूंगा, हनुमान जी कूट दे। तो हम लोगों की बुद्धि सठिया गई, हम लोग इंसान में भगवान को नजर नहीं लाए। माता पिता को दुख देते रहे और पत्नी को दुख देते रहे, पत्नी पति को दुख देते रहे, एक इंसान से दूसरे इंसान में नफरत करते रहे और कहते हम बहुत बड़े धार्मिक है, बढ़िया भगवान को पूजते हैं। अभी हमने सदगुरुदेव जी के उस पद पर कहा कि सुख ढूंढ रहे तुम बन में गिरी गवर के कंदर में, परवाह पता नहीं पाया तेरे है अंदर में, तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर ला रहता है, पर तू विपन्न होकर दद्दर ठोकर खाता है। हम लोग बाहर की यात्रा छोड़ करके भीतर की यात्रा करें और जो शक्ति समय उस पत्थर और बांस में लगाते हैं, मिट्टी में लगाते हैं, इस इंसान में लगाए। माता पिता को प्रणाम कीजिए, कितनों दुश्मनी की है तो आशीर्वाद देता है, जाओ बेटा खुश रहो। पत्थर कभी एक मक्खी को जन्म दिया नहीं दिया। इसीलिए जहां से ज्ञान लेना है वहां से ज्ञान लीजिए। उस चित्र से चरित्र है छिपा हुआ, जीवन चरित्र है, उस जीवन से अपने जीवन को मिलाइए और सुधार करिए। और जहां पर ये इंसान है, इंसान से नफरत करते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे? इंसान को जो अपना न सके, भगवान को क्या अपनाओगे? इन्हीं कुछ वाणियों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ और मैं एक गुजारिश करता हूं, दो मिनट और लूंगा हम संचालक महोदय का, बड़ा घड़ी देख रहे हैं। ये जो व्यवस्था हो रही यहां सत्संग की, सत्संग में भी राजनीति होती है, बड़े दुख की बात है। जहां पर मनुष्य जीवन के पूर्ण कल्याण की बातें इस सत्संग में होता है, जो आदमी आज दिन रात सुख को ढूंढने में लगा है, जो परम सुख परमानंद की यहाँ बातें बताई जाती है, जिससे आदमी जीवन भर के लिए क्लेश रहित हो सकता है, इस ज्ञान यज्ञ में हजारों रे लाखों लोगों को जहाँ शिक्षा मिलती है, वहां भी लोग राजनीति करते हैं, दो पैसे देने में कतराते हैं। जहां पर देना नहीं चाहिए वहां देते हैं और जहां देना चाहिए वहां नहीं देते हैं। मेरी गुजारिश है, जो कमेटी वाले है उस पर ही भंडा नहीं फोड़ना है। इस गांव के आस पड़ोस के आप सब लोग आए हुए हैं, ये जितने संत महापुरुष हैं सबको बुलाया गया है। खैरा ग्राम के एक गांव की हिम्मत नहीं है उसको बढ़ाने की। आप सब जनता जनार्दन है, आपको संत ज्ञान देते हैं और संत को आप धन का दान देते हैं। आप लोग जो दान पेटी में दान करिएगा, चंदा रसीद कट वहां ऑफिस लगा है, कोई रसीद वाले भी नहीं बैठे हैं, लेकिन ये गुप्त दान है, इसमें दान पेटी में दे दीजिएगा, सब संत की विदाई हो जाएगी, किराया भाड़ा हो जाएगा। बहुत दूर दूर से संत को बुलाया गया है, किनके लिए? आप सब के लिए। ये पैसा आपका गलत में नहीं जाएगा। ये जो परम तपस्वी संत आए हैं उनके ज्ञान विचार दे रहे हैं, उनको बदले में हम कुछ दान करें। राजा हरिश्चंद की तरह मैं नहीं कहता हूं कि पूरे धन संपत्ति लुटा कर आप डोम के घर में जाके पानी भरो, लेकिन कहा दसवां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। सबसे गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आप इसमें यदि सहयोग करेंगे तो सब संतों की विदाई हो जाएगी। जो कार्य करता है वो परेशान है, कैसे व्यवस्था को हम आगे बढ़ाएं? और आप जनता जनार्दन भगवान है, हम लोग कोई ऊपर नीचे का भगवान नहीं मानते हैं, सब भगवान आप हैं।
आप जो करेंगे वही होगा, इसलिए आप सब थोड़ा थोड़ा जेब को ढीला करेंगे, काम हो जाएगा, यहाँ का भी लोग परेशान नहीं होगा और आइए आनंद की वर्षा होती रहेगी कल तक। और अन्य संत भी हैं, उनके आदर्श विचार को लेकर अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन धर्म परायण हो, श्वास श्वास धड़कन धड़कन से जुड़ी हुई रामायण हो। पर की पीड़ा में मोम सा जलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। अभी हम आप सभी लोग बहुत ही सुंदर विचार, वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख रखे हाथ, कि विषय में श्रवण कर रहे थे। क्योंकि हमारे बीच बहुत सारे संत महात्मा हैं और इस क्षेत्र में खास करके संतों की बहुत बड़ी लंबी भीड़ होती है, भक्तों से ज़्यादा, और समय न मिले तो कुछ नाराज़गी भी होती है। लेकिन 3 दिनों का सत्संग है, मेरा प्रयास रहेगा। मैं भी कहीं कहीं जाता हूँ सत्संग, थोड़ा देर में ही बोलता हूँ, लेकिन 2 दिन से मैं एक बार बोला नहीं हूँ, तो मैं सोचता हूँ समय मिलेगा तो मैं बोलूँगा, तो कुछ चर्चा करूँगा, नहीं मिलेगा तो फिर छोड़ दूँगा, कोई बात नहीं। तो जिनको समय नहीं मिले वो मुझे माफ़ करेंगे। अब मैं सीधे चाहता हूँ कि सबकी निगाहें हैं, और एक भक्त का निवेदन भी था संत श्री रामाशंकर साहब के लिए कि हमारे क्षेत्र में माताएं खास करके बहुत अंधविश्वास में जीती है और देवी देवता के चक्र बहुत ज़्यादा पड़ी रहती है। तो उनका निवेदन था संत श्री रामाशंकर साहब जी से कि वो अपने विचारों को अपने इसी देवी देवताओं के संबंध में, हमने कहा वो तो रखते ही हैं, कहना फिर भी इस क्षेत्र के विषय में उनको ज़्यादा जानकारी है, तो भ्रम निवारने की कृपा करें। तो मैं निवेदन करता हूँ परम श्रद्धेय संत श्री रामाशंकर साहब जी से, आप अपने विचारों से हम सबको 20 से 25, चूँकि टाइम तो बहुत चाह रहे लोगों की मांग, लेकिन मेरे पास मजबूरी है कि साहब जी को मैं सीमा में बांधता हूँ और साहब जी उतने ही समय में अपने विचार हम लोग मुझे रखेंगे 20 से 25 मिनट के बीच में। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।